राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो बहुत जल्दी धनतेरस आने वाली है। धनतेरस पर क्या विशेष चीज़ हमें ज़रूर खरीदना चाहिए? सोना चांदी तो हम सभी खरीदते हैं। सोना चांदी अगर खरीदने की आपकी व्यवस्था नहीं है तो आप कोई भी पीतल की चीज़ खरीद लें। पीतल की नहीं है तो तांबे की खरीद सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं, लेकिन लोहा आपको नहीं खरीदना है। धनतेरस पर एक प्रमुख चीज़ ज़रूर खरीदना है आपको, है वो है झाड़ू। झाड़ू आपको ज़रूर खरीदना है क्योंकि झाड़ू को हमारी संस्कृति में लक्ष्मी का रूप दिया जाता है। तो आप एक झाड़ू ज़रूर खरीद के लाएं। झाड़ू आपको इस तरह से लाना है कि भरी हुई झाड़ू लेना है, पूरा अच्छे से भरी हुई होनी चाहिए। कहीं से बेगरी झाड़ू हमें नहीं लेके आनी धनतेरस के दिन। और झाड़ू जब आप लेकर आओ तो झाड़ू को हमेशा छुपा कर लेकर आना है, कोई उस झाड़ू को देखकर मतलब टोक ना दे। कुल मिलाकर हमें ये होता है ना, ये धनतेरस के दिन आप झाड़ू क्यों खरीद के ला रहे हैं, कोई मतलब कई लोग होते हैं ना टोक देते हैं, तो इस तरह छुपा कर लेकर आना है। हो सके तो अंधेरे में लेकर आ जाएँ ताकि आपको कोई टोके नहीं। झाड़ू को हमेशा बांध के रखना चाहिए, ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखें। झाड़ू को हमेशा बांध कर रखें, कभी भी इधर उधर फैली हुई झाड़ू नहीं होनी चाहिए। इधर उधर डगारियाँ फैली रहती है ना, वो बिल्कुल सही नहीं रहती। तो जैसे ही आप झाड़ू लेकर आएँ उससे कोरे कपड़े से धनतेरस के दिन उसको अच्छे से बांध लें। हो सके तो धनतेरस के दिन आप 4 से 5 झाड़ू ज़रूर खरीदें। एक दो झाड़ू ऐसा करें अपने आसपास के मंदिर में अंधेरे में ही आप दान कराएं दीपावली वाले दिन। तो ऐसा अगर आप करते हो तो आपके जीवन में धन संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं होती। ये समझ लीजिए एक टोटका टाइप का है। तो इस काम को आप अवश्य करें, आपके रूप आपके जीवन में ये बहुत एक औषधि की तरह काम करेगा। तो आप झाड़ू का मतलब बिल्कुल भी स्किप ना करें, झाड़ू आप अवश्य खरीदें, झाड़ू का पूजन ज़रूर करें। और इस तरह से जब जो झाड़ू आप घर में यूज़ करने वाले हो उसको इस तरह से आप अच्छे से बांध लें। साफ़ सुथरा कपड़ा लें, हो सके तो सफ़ेद कलर का कपड़ा ले लें। मैं यहाँ पर ग्रीन कलर के कपड़े से बांध रही हूँ, तो आपके पास हो जैसा बांध लें। अगर सफ़ेद मिलता है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। उसके लिए आप छोटा सा एक चौक पूल लें। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर हल्दी डाल दी है। हल्दी से क्या है, जगह शुद्ध हो जाती है, इसलिए हल्दी डाली जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं हल्दी डाल दी, उसके ऊपर मैं आटे से चौक पूल रही हूँ। आप चाहें तो रंगोली बना लें, चाहे तो स्वास्तिक बना लें। तो मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना ली हूँ। इस स्वास्तिक के ऊपर हमें झाड़ू का पूजन करना है। बहुत सरल विधि होती है झाड़ू की पूजन की। तो ये पूजन जो है आपको अपने धनतेरस की पूजा करने के बाद, दीपक जलाने के बाद, फिर इस पूजा को आपको अवश्य करना है, क्योंकि जो झाड़ू है ना उसको लक्ष्मी का रूप दिया था। तो इसकी पूजा आप अवश्य करें। तो बस आपको क्या करना है, रोली और हल्दी लेना है। उसका जो ऊपर का सिरा होता है इसको माड़ना बोलते हैं। तो चारों कोनर में अच्छे से उसको माड़ना है। देखिए जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं इसी तरह से आपको करना है। तो गोल तरह से इस तरह से पूरा राउंड करना है आपको। तो इस तरह से देखिए माड़ लें आप। ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, झाड़ू की पूजा अवश्य करें। बिल्कुल भी इस चीज़ को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपके जीवन में धन संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं आती इस पूजन करने से। और झाड़ू को एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना है। हमेशा इस तरह आड़ा झाड़ू रखें आप, बिल्कुल भी खड़ा नहीं रखा जाता झाड़ू, इस तरह से आप रखें। और उस पूजन करने के बाद हमेशा झाड़ू छुपा कर रखना है, कभी भी झाड़ू उजागर में नहीं रखना है। खुले में कभी झाड़ू नहीं रखा जाता। लक्ष्मी कभी खुले में रखी जाती है? नहीं रखी जाती, छुपा कर रखते हैं ना हम लोग अपने अपनी अलमारियों में। तो उसी प्रकार झाड़ू भी हमेशा छुपा कर रखा जाता है, जैसे अपने गेट हो गया तो गेट के पीछे छुपा के रख देते हैं ताकि किसी की नज़र उस पर ना पड़े। इस तरह से आपको रखना है, तो छुपा कर हमेशा रखें और किसी की उस पर नज़र नहीं पड़नी चाहिए। तो इस तरह से आप कर लें। और आपके घर में जिस तरह का झाड़ू यूज़ होता है उस तरह का आप ले सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का आप स्किप करें। इस तरह से देखिए कभी झाड़ू नहीं रखना आपको खड़ी, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं रखी जाती, हमेशा इस तरह से आपको झाड़ू रखना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, देखिए इस तरह से। और झाड़ू में कभी भी आपको पैर नहीं लगाना। कई बार हम झाड़ू लगाते हैं ना तो हमारे पैर लग जाते हैं, तो पैर हम कभी भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी में कभी पैर नहीं दिए जाते। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, कभी भी आपको झाड़ू में पैर नहीं लगाना है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ का हम अगर ध्यान रखें तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आते भी हैं। तो सुबह आपके ऐसा करें, धनतेरस के दिन आप झाड़ू खरीद के लेकर आएँ, और सुबह दीपावली के दिन सुबह ही जैसे 5 बजे 6 बजे जैसे मंदिर खुल जाते हैं 6 बजे के टाइम पर, आप सुबह मंदिर 6 बजे के टाइम चले जाएं और झाड़ू चुपके से मतलब आपको रख कर आना है, कोई आपको टोक ना दे, मतलब कुल मिलाकर ये है। तो चुपके से आप झाड़ू रख कर आ जाएं। तो ये चीज़ें ना एक टोटके की तरह, एक औषधि की तरह आपके जीवन में काम करती हैं। और दीपावली पर खास करके घर से रिलेटेड चीज़ों का ही पूजन किया जाता है, जैसे हमारे चूल्हे का पूजन हो गया, जैसे चक्की का पूजन हो गया। आपने मार्केट में देखे भी होंगे छोटी छोटी चक्कियाँ मिलती हैं, छोटी छोटी सिलोड़ा टाइप की मिलती है, तो उनका पूजन किया जाता है। इनसे ना क्या होता है, हमारे जीवन में बरकत होती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ना हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इन चीज़ों को क्या है, हम अपने जीवन में अनदेखा कर देते हैं। तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है।
तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। छोटी सी बात मैंने आप इस वीडियो में आपको दिखाई है, तो आप झाड़ू ज़रूर खरीद के लाएंगे और धनतेरस के दिन उसका पूजन अवश्य करेंगे। तो इस पूजन की विधि मैंने आपको दिखा दी है और छोटी मोटी जो बातें होती है वो भी मैंने इस वीडियो में आपको बता दी हैं। आपको हमेशा झाड़ू छुपा कर रखना है, पैर कभी नहीं लगाने हैं, खड़ा झाड़ू कभी नहीं रखना। और दूसरी बात मैं आपके साथ यहाँ पे एक बात और शेयर कर दूंगी, झाड़ू हमेशा कड़े वारों में खरीदें आप। जैसे मंगलवार हो गया, कड़ा वार हो गया, शनिवार है, कड़ा वार है, तो इन वारों में आप झाड़ू खरीदें। लेकिन धनतेरस के दिन जो भी वार पड़े आप झाड़ू अवश्य खरीदें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे। आप सभी को हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली।